हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज यहाँ पर आईपीएल 2020 के लिए आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अपनी तैयारियां कंप्लीट कर चुकी है, लेकिन ऐसे में इस वीडियो में मैं आपके लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सामने ऐसी दो बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि इनके सामने यानी कि इनके कैप्टन विराट कोहली के सामने सलेक्शन प्रोसेस को लेकर सामने आ सकती है। कौन से वो दो डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर विराट कोहली भी कन्फ्यूज हो जाएंगे और वो सोचेंगे कि आखिर कौन से प्लेयर्स को मुझे पिक करना चाहिए और किसको नहीं, यही सब बातें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ऐसे में अगर आप लोग आरसीबी के फैन हो तो आपको इस वीडियो देखना है बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं जिससे मेरी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की और ये यहां पर जुड़ा हुआ है आरसीबी के ओपनिंग स्लॉट प्रॉब्लम से। अब लास्ट ईयर की अगर बात की जाए तो आरसीबी यहां पर ओपन करती थी पार्थिव पटेल से और उनके साथ यहां पर ओपनिंग करने के लिए आते थे विराट कोहली। अब गाइस यहां पर दिक्कत यह हुई कि पार्थिव पटेल को हमने देखा है पावर प्ले में आते ही तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन जहां तक बात है एक बड़ी इनिंग खेलने की तो पार्थिव पटेल ने आज तक आईपीएल में कोई बहुत ज्यादा बड़ी इनिंग्स नहीं खेली है। वो 30-40 रन बनाते हैं और उसके बाद आउट हो जाते हैं। दूसरी ओर बात करें कप्तान विराट कोहली की तो हमने देखा है कि उनकी प्रेफरेबल पोजीशन वन डाउन ही होती है, क्योंकि अगर वो ओपनिंग आते हैं तो फिर एबीडी को 3 पे आना पड़ता है और उसकी वजह से आरसीबी का मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा वीक हो जाता है और लोअर मिडिल ऑर्डर में भी आरसीबी के पास कोई भी फिनिशर यहां पर नहीं बचता है। तो ऐसे में यहां पर आरसीबी ने इस कमजोरी को दूर करने के लिए इस बार काफी बड़े बड़े अपना अपनी टीम से जोड़े। एक तो इनके पास ऑलरेडी पदिकल अवेलेबल थे, उसके बाद एरन फिंच जैसा बड़ा प्लेयर उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया और जॉस फिलिपे भी आ गए हैं। तो अब विराट के सामने दिक्कत यह है कि आखिर ऐसे में ओपनिंग करवाई किससे जाए, क्योंकि फिंच को तो आपको टीम में रखना ही पड़ेगा क्योंकि वो इतने बड़े खिलाड़ी और उनका हर मैच खेलना यहां पर तय है। इसके साथ ही अगर हम बात करें देवदत्त पदिकल की, जिस तरह का उनका डोमेस्टिक सीजन गया है, जिस तरह की बैटिंग वो कर रहे हैं, अपने करियर की बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं, तो ऐसे में उनका टीम में रहना यहां पर काफी ज्यादा जरूरी है। तो देखने वाली बात होगी, ये एक अच्छा सरदर्द रहने वाला है विराट के लिए कि आखिर वो ओपनिंग करवाएंगे तो करवाएंगे। इसके साथ ही यहां पर अगर फिंच अगर उससे ओपनिंग ना करवाई जाए और अगर फिंच को आप मिडिल ऑर्डर में भेजते हो तो उससे यहां पर मिडिल ऑर्डर यहां पर जरूर स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन ओपनिंग स्लॉट की अगर बात की जाए तो यहां पर फिर भी सरदर्द वही मेंटेन है कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आरसीबी के लिए ओपनिंग करने वाले हैं। फिलहाल हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो कि विराट कोहली के लिए एक बड़ी सरदर्द लेकर सामने आ सकता है और वो होने वाला है फॉरेन प्लेयर्स का सिलेक्शन। अब अगर आप आरसीबी के फॉरेन प्लेयर्स की लिस्ट देखो जो कि आप देख पा रहे होगे तो उसमें नाम आता है एबी डिविलियर्स, एरन फिंच, मोइन अली, उसके साथ क्रिस मॉरिस, डेल स्टेन, केन रिचर्डसन, इसरू उडाना और जॉस फिलिपे। अब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स इनके पास हैं तो इनमें से हमें पता है एबी डिविलियर्स तो खेलने वाले हैं, उसके साथ फिंच भी पक्का खेलेंगे। यहाँ पर क्रिस मॉरिस को 10 करोड़ रुपए में खरीदा गया है, तो अगर आप उनको भी नहीं खिलाते हो तो यहाँ पर ये आपके लिए फिर एक बड़ी दिक्कत है कि आपने उन्हें खरीदा क्यों। और गाइज यहाँ पर अगर आप मोइन अली की बात करो तो ये एक ऐसा खिलाड़ी है, अगर आपने लास्ट ईयर का आईपीएल देखा होगा तो आरसीबी के फॉरेन प्लेयर्स में से यहाँ पर मोइन अली ही एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस करके दी थी एबी डिविलियर्स के अलावा। अब शायद वो आपको उतना विजिबल ना हो, लेकिन उन्होंने यहाँ पर काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स आए थे जहाँ पर आरसीबी को बॉलिंग में भी मैच जिताए इवन, और बैटिंग भी काफ़ी अच्छी इन्होंने की थी, तो इनको भी बाहर रख पाना काफ़ी मुश्किल होगा। उसके अलावा आप डेल स्टेन को भी बाहर नहीं रख सकते। केन रिचर्डसन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम के प्रीमियम फास्ट बॉलर है T20s में, लगातार वो नेशनल सर्किट पर एक्टिव चल रहे T20 में, तो आप उनको भी बाहर नहीं कर सकते। इसरू उडाना भी यहाँ पर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं डेथ ओवर्स के, तो ऐसे में आरसीबी के सामने दिक्कत तो है कि आखिर कौन से ऐसे प्लेयर्स होंगे जिनको अपनी प्लेइंग 11 में रखने वाले हैं। तो ये थे वो दो सिलेक्शन क्राइसिस जो कि आरसीबी के सामने आ सकते हैं आईपीएल 2020 में, और ऐसे में यहाँ पर अगर इनको एक सेट टीम बनानी है आईपीएल को जीतने के लिए तो यहाँ पर कुछ हार्ड डिसीजंस इनको लेने पड़ सकते हैं। तो वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे कर सकते हैं लाइक, इसके साथ ही कॉमेंट करके आप लोग मुझे बताओ कि आपके आपसे आरसीबी की परफेक्ट प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।